नमस्कार, मैं शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जब से किसान आंदोलन चालू हुआ है, लगातार नेताओं के द्वारा बेतुके बयान दिए जा रहे हैं और आज तो हद हो गई है। राजस्थान के एमएलए जिनका नाम है मदन दिलावर, उन्होंने एक बयान दिया है जिसके तहत वो किसानों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो चिकन बिरयानी खा के बर्ड फ्लू फैला रहे हैं। तो किसान बर्ड फ्लू फैला रहा है, इतना बेतुका बयान। ये एमएलए हैं, राजस्थान के सिटिंग एमएलए हैं और बीजेपी जनरल सेक्रेटरी हैं। इनका बयान आया है कि किसान चिकन बिरयानी खा के बर्ड फ्लू फैला रहा है। इसके पहले वो किसान कोरोना फैला रहे थे, अब बर्ड फ्लू फैला रहे हैं। मतलब इस किसान आंदोलन के दौरान पूरे भारत में, पूरे दुनिया में कोई भी समस्या आए, उस समस्या का जड़ केवल किसान है, क्योंकि वो अपना हक मांगने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या राय है ऐसे बयानों पर कि किसान बर्ड फ्लू फैला रहा है। क्या कहेंगी मैम आप, कि मतलब किसान अब बर्ड फ्लू फैला रहा है, अभी तक वो कोरोना फैला रहा था, अब बर्ड फ्लू भी फैलाने लगा। किसान ब्लू नहीं फैला रहा है, ये जो नेता है ये लोग बेवकूफ है, जो किसानों को मतलब उस विरोध के चलते वो लोग ऐसे बोल रहा है। किसान तो अपना समर्थन, अपना मांग के लिए यहाँ पर आया हुआ है, वो क्यों ऐसे वो कर रहे हैं? तो ये तो उन लोगों का बेतुकी बात है जो ये लोग किसानों को विरोध करने के लिए बोल रहे हैं कि किसान ब्लॉक फ्लू फैला रहा है। तो ये नहीं है, ये तो विरोध कर रहे हैं, इसके लिए हम विरोध करना चाहते हैं जो ये नेता बोल रहे हैं। नेता गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ब्लड फ्लू जब फैला रहे तो यहाँ पर आके देखे कि चिकन मंदूरी जो खा रहे हैं, यहाँ पर आके देखे तब ना जानेगा कि ये लोग वहाँ पर चिकन खा रहे हैं ना कि क्या कर रहे हैं, हैं? तो वो गलत बोल रहे हैं। आप लोग बताइए, अभी तक कोरोना फैला रहे थे, अब कह रहे हैं कि बर्ड फ्लू भी आप लोग फैला रहे हो, क्या क्या करोगे आप लोग भाई? कुछ और फैलाएंगे, हम तो हमारा किसान आंदोलन है, हमारा जो है जो पारंपरिक ढंग से हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। कभी कहते हैं कोरोना, अब पश्चिम बंगाल में वो लोग जाते हैं, वहाँ पे कितनी दुनिया इकट्ठी होती है, वहाँ नहीं बड़ कोरोना फैलता, यहाँ ही किसान आंदोलन में क्यों फैल रहा है? कोरोना तो पुराना हो गया, आप कहते हैं बर्ड फ्लू फैला रहे हो, आप पक्षियों को मार रहे हो, बताओ यहाँ पे दिखता है किसी को? यहाँ पे दिखता है किसी को बर्ड फ्लू? यहाँ दिखाई देता है किसी को? आप भी बोलिए ना, दिखता है कहीं? वो जो पक्षी मर गए, वो जो कह रहे हैं किसान साजिश करके बर्ड फ्लू फैला रहे, पक्षियों को मार रहे हैं, वो जो बीजेपी का जो लीडर बोल रहा है ना, उस मंदबुद्धि को ये समझ आनी चाहिए भी कहाँ से बर्ड फ्लू फैलता है। सुना है अभी पिछले 2-3 साल में बर्ड फ्लू आया ही नहीं है, वो कैसे बोल देगा बर्ड फ्लू किसान फैला रहे हैं? उसको बुलाओ यहाँ, उसको बुलाओ दिल्ली, हम बताते हैं कैसे फैलता है बर्ड फ्लू है। वैसे बेतुकी बातें वो ना करे, इस किसान मतलब आंदोलन पे चर्चा करे, इसका कोई सोल्यूशन निकाले। आप देखते हो सड़कों पे कितने दिन से किसान बेहाल है, हैं? वो लोग खुद अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं। उसकी समस्या नहीं है, 2 लाख कौवे मर गए उसकी पुनः वो नहीं है, वो बर्ड फ्लू जो मरता है ना, जो वो आए साल आता है जनवरी फरवरी में, इन दिनों सभी पक्षी मरते हैं, कोई नहीं सोचता। आज ये हमारा आंदोलन शुरू हुआ, इस पे कह रहे हैं ये बर्ड फ्लू पिला रहे हैं, हम पिला रहे हैं, बेतुकी बात है ये, बेतुकी बात, बिल्कुल बेतुकी बात है। आप पढ़े लिखे लोग हो, आप बताओ किसान बर्ड फ्लू फैला रहे हैं, इसमें उस नेता की बुद्धिमत्ता की कितनी आप परख कर पाएंगे? मुझे लगता है कि नेता के पूरा बुद्धि नष्ट हो गए हैं और एक आंदोलन को दबाने के काम करते हैं नेता, है ना? उस समय भी एनआरसी और सीओ को दबाने के लिए कोरोना 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 से क्या मिला, आम जनता को पूरा बेरोजगार कर दिए, महंगाई बढ़ गई और लोग ऐसे भी, और यहाँ आंदोलन कर रहे किसान, उसको बोलते हैं कि ये फैला रहे, वो बीमारी ला रहे, ये कर रहे हैं, कभी बोलते कोरोना फैला रहे हैं, हाँ कोरोना तो नेता लोग फैलाए हैं आंदोलन को दबाने, कभी बोलते टुकड़े टुकड़े गैंग है, कभी बोलते खालिस्तानी है, कभी बोलते और कुछ, एनआरसी का विरोध करेंगे तो उसको पाकिस्तानी बोलेंगे, स्टूडेंट अगर निकलेंगे उसको देशद्रोही बोलेंगे, क्या? और बोलते हैं कि किसान भ्रमित है, किसान भ्रमित नहीं है, सरकार खुद भ्रमित
सम्मिलित करने कोशिश कर रहे हैं। किसान पढ़े लिखे हैं, किसान पढ़े लिखे हैं, हाँ अधिकार जानने वाले। अब बताओ अभी तक आप लोग कोरोना फैला रहे थे, बर्ड फ्लू फैलाने लगे साजिश के तहत, पहले बताइए। हम क्यों फैलाएंगे बर्ड फ्लू हम क्यों फैलाएंगे? एपी एमएलए तो कह रहे हैं आप लोग बर्ड फ्लू फैला रहे। उनको ये पता है बर्ड फ्लू कहाँ से आता है? उनको पता है कोरोना और बर्ड फ्लू डिफरेंस पता है उनको क्या होता है? बर्ड फ्लू जानवर में होता, हम जानवर नहीं, हम इंसान है, जानवर से फैलता। बिरयानी खा के आप लोग बर्ड फ्लू फैला रहे हो, वो कह रहे हैं। कहाँ पे आपको देखा है बिरयानी? देखा आपको यहाँ पे आसपास आपने बिरयानी देखा? यहाँ पे मिला कहीं बिरयानी? नहीं हमें तो नहीं मिला। फिर कैसे बोल दिया? मिला होगा ना उनको, मिला होगा तो हमें दिखाए ना कहाँ है वो, दिखाए हमें भी, हम भी देखेंगे यार उसको। और बताओ जी, तो बताइए मतलब आप बर्ड फ्लू फैला रहे हो आप लोग हैं की बात है भाई, सर्दी की वजह से मर रहे हैं उनको तो बहकाने के लिए एक आंदोलन के तहत फैला रहे हो भाई आप लोग, वो ये कहना कोई और रूप ले जाए उसके तहत। ये 26 जनवरी का 26 जनवरी से डरे हैं, सच्चाई बात ये है, कहीं किसान वहीं पहुंच जाए उसके लिए कुछ न कुछ भाई। अगर है ना हमने यहाँ तक की सुना कि वो भाई हमें यहाँ तक वो यहाँ पे है ना उसके गुर्गे भी घुसा रखे होंगे यहाँ पे 26 जनवरी के लिए, कुछ ना कुछ शरारती तत्व तो यहाँ भी घुसा रखे होंगे उन्होंने, कहीं आंदोलन बिगड़ जाए, बिगड़ेगा ना मेरे भाई आंदोलन को, 26 जनवरी को वहाँ जाएंगे ही जाएंगे। आप बताओ क्या कहते हो चाचा, बर्ड फ्लू फैला रहे हो आप लोग, बताओ पक्षियों को मार रहे हो? आपको ये बताऊंगा पूरी बात, मोदी जी ने कोरोना घोषित करी थी, मैंने रोहतक के मरीज आए गए शमशान घाट में ले आए थे, वहाँ गरीब लोग खाना खा रहे थे, मैं बोला कोरोना मरीज में देखूंगा, मैंने देखा था वो पुलिस नेडर जाने नहीं दे रही थी, पन्नी पाड़ के देखी थी, उसके अंदर लोगड़ रुई तूड़ी ये भर रखी थी, मैंने ये पता चल गया मैं मोदी जी ये तो गलत काम कर रहा है कि आदमी की किडनियां काट काट के बेच रहा है, मैंने देखा तो दाग दे दिया उसको जल्दी पन्नी पाड़ने के बाद, बोले जल्दी दे दो पता लग जाएगा, ये बात का मैंने पता लगा था। उसके बाद शमशान में कोई भी उसमें मरीज ये कोरोना का नहीं गया दोबारा, मैं बोला कोरोना का इसमें मरीज आएगा था शमशान घाट में, मैं उसको पन्नी पाड़ के चेक करूंगा, देखूंगा मेरा ड्यूटी का क्या युवा काम है मेरा, वो बोले शमशान में हम लंदे नहीं आ रहे, हम दबा दें कहीं, डॉक्टर बोला मैं दबा दिया कहीं, यहाँ लाने की जरूरत नहीं, वो चले गए थे वापसी। वो तो कोरोना की बात हो गया, बर्ड फ्लू फैला रहे हो भाई आप लोग, पक्षियों को मार रहे हो, ये कह रहे नेता। पक्षी कोई नहीं मार रहा, मोदी मरवा रहा साला, मोदी मरवा रहा पक्षिया ने, और के या इंसान ये बताओ, गरीब लोग बैठे किसान है इनका काम करते क्या? 70 किसान शहीद हो गए, उसकी चिंता नहीं है उनको, 2000 कौए मर गए उनके लिए, उनको बहुत शोक संदेश भेज रहे हैं। बताऊं अपने लुगाई ने नहीं थाम सकता, और देश ने क्या थाम भगा जी, वो अपने लुगाई ने नहीं थाम सकता, लुगाई ने हमने तो ना मरे उड़ना दिखा कौआ की तभी, वो तो कह रहे हैं आप लोग कौए मार दिए, हमने मरे ना तो हमने की तो मरिया देख ना की तो मरते देखते हमें और ना किए ना मारे हैं ये कोरोना कोरोना री बोल्ड फलू रो फलान सवाइन फलू मारे तो रखो छना हम था हम तड़के तो शांत है जंगल मरे लाग रहे मारे कुछ ना हम था किस है वो एक मिनट रुको आज तो ये मोदी कुछ नहीं कर रहा आने वाले दिन में इनके गांव में घर घर जाएंगे ना वोट मांगने इनका लटोर लगेंगे कल सरपंच भी पिटने होंगे वोट मांगने गए थे सरपंच भी पिटे होंगे राजनीति में सरपंच कोई भी है कोई किसी ने वोट नहीं देगा ये खुली कह दी गांव में बैनर भी लगा दिए मतलब कोई राजनीति वाला घुसेगा तो लठ लगेंगे असल तो थ्या जाएगा तो उसका चुतड़ा में लठ देगा बासेंगे तो ठीक है बर्ड फ्लू फैला रहे हो आप लोग भाई साहब नरेंद्र मोदी है माननीय प्रधानमंत्री वो यहाँ 1.5 महीना हो गया 2 महीने होने जा रहे हैं किसानों से मिलने नहीं आ रहा सौरव गांगुली थोड़े बीमार हो गए वहां जाके बंगाल में उनसे जाके मिल रहा है अंबानी के घर में पोता जन्म लेता है उससे जाके मिल रहा है लेकिन यहाँ कोई मिलने वाला नहीं है किसानों से कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे 2 महीने होने को है अभी तक तो यहाँ नहीं आए पक्षियों को आप लोग शिकार कर रहे हो बर्ड फ्लू फैला के कौए मार रहे हो आप लोग हम नहीं मार रहे मार कौन रहे कौए इसके पीछे सारा षड्यंत्र अब कुछ ना कुछ अभी तो एक और बीमारी लेके आया स्टैंड कोरोना स्टैंड लेके आया है इसके अलावा कोई ना कोई और बड़ी बीमारी भी लेके आएगा कुछ एक दिन और रुको इस अर्थव्यवस्था के पीछे पता नहीं क्या चलाया क्या नहीं कोई और भयंकर बीमारी लेके आएगा लोगों को अपने घर में कैद करेगा हाँ छोटी छोटी वो सारे मुद्दे पब्लिक को बता सकता है वो 7 महीने हो गए पब्लिक को घर के अंदर रखा उसने किसान आंदोलन क्या खुली बहस क्यों नहीं कर रहे वो आंदोलन में है क्या इसके फायदे क्यों नहीं बता रहे वो फायदे क्या खुले आके चुनौती करें ना पब्लिक के बीच में आके बताया इसके फायदे क्या है कह रहे की जमीन नहीं बिकेगी पश्चिम बंगाल में वहाँ लेते चले जाते यहाँ नहीं आते पश्चिमी बंगाल में एक एक मुठ्ठी
चावल के लिए खिचड़ी बनाने के लिए वो घूम रहे हैं, ये किसान नहीं दिख रहे उनको। कोई देश में कोरोना को नहीं, कोई ब्लड फ्लू को नहीं, ब्लड फ्लू और कोरोना है तो मोदी और अमित शाह और खट्टर का है। इनने लोगों को पागल बना रखा है। इनको पश्चिम बंगाल में जब घूमते हैं वो वहाँ किसान दिखाई देते हैं, या किसान नहीं है, इन्होंने लोगों को पागल बना रखा है, भ्रमभीत कर रहे हैं और कुछ नहीं है, और पागल बना रखे हैं। किसानों को बंधक बना करके ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं, कभी कोर्ट में जाते हैं, कभी क्या करते हैं। क्या हुआ? नहीं, ये जहाँ ये उन्हें इलेक्शन जीतता है वही गुटगुड़ी बजाता है वो अपना, ठीक है। यहाँ किसान यहाँ नहीं है, वो बंगाल में वही है। यहाँ का किसान है? यहाँ तो सब लोग बनवाए लोग हैं। यहाँ का किसान हो तो कहते हैं यहाँ किसान ही नहीं। और कौन है? वो की चीची का लोग साढ़ और है, और कैसे ये बता? अरे किसान नहीं है तो और क्या है यहाँ? वो तो कहते हैं उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। उग्रवादी हैं, उगी जी जी का लोग आ रहे हैं और कुछ ना आ रहा सारा। ये किसान ठीक है, और कौन है? किसान नहीं तो और कौन है? ये किसान होते तो मिलने ना आते मोदी जी आपसे। आप लोग किसान होते तो मिलने ना आते आपसे मोदी। किसान सारे किसान, कोई उग्रवादी नहीं, कुछ नहीं। कड़ी कोरोना सी, कोरोना ने खेल बनाई सी। एक पासे तो भी कोरोना आ गई, एक पासे ठीक हो गए, तो दवाई कितों आ गई? नहीं दवाई कितों आई फिर? दवाई ना कोई कितने सब इन्हों की रचना रची सी सर, इन्होंने खेल बनाई या तमाशा बनाया, लोगों को ठिठ किया इन्होंने, फालतू किया। पूरा है मर्द मामला न्यूज दिखाओ भाई, ये कानून सही है। ओड़ा बैठा झूठ बोला, पंचायत साथी है मीटिंग है, वो आंदा लग सको नहीं, मारा सारा फिर छोटा हुआ। सही बात है जी, मारे भाई जहन ना हो छिड़का भी जे मामला माल ना करे वहाँ सस्ते हैं, वो सस्ता उकर हो जाएगा। जिसका कहना जी करता हूँ मैं जहन ना कहो, कागज दिखाओ हमने, उठ जाएंगे सस्ते कागज पा के उठ जाएंगे, लठ जाओ हट जाए कोई नहीं। पच्चीस ना कुदांगे भाई मीटिंग में, पूरा को कुदांगे छिपेरी बटरा पे को उसी को कह दिए भाई, जो कुछ लेकर आया जी हिटो पर कोई डर नहीं लगता, लाख मर जाए दो मर जाए मरी जब मना कोई नहीं मरी, सा प्याही छोरा होया घबरू गया जम जे घबरू होगा, उसका क्या होगा? उसकी बेबिया लोग होगा, उसका क्या होगा? विशेष उसका आगा नहीं पास्ता सजागा घर नहीं बार नहीं बेवस्ते फिर रोंदे देश में, देश की जीन वाटी कर दी चौधरी बना दिए देश ने तो है, चौधरी उठी कोई नहीं बा चौधरी बनवा दिए, इसीलिए तो आप लोग को ऐसे कर रहे हैं। वो आप लोग समझिए कि किस तरीके के बेतुके बयान लगातार मंत्रियों द्वारा, विधायकों द्वारा और तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा दिए जा रहे हैं, और अब तो हद पार हो गई कि राजस्थान के एक सिटिंग एमएलए जो कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो बयान देते हैं कि जो बर्ड फ्लू फैल रहा है जिससे पक्षियों की जान जा रही है उसको किसान फैला रहे हैं। आप सोचिए ये कैसी विडंबना है कि ऐसे लोगों को हम लोग जिता के विधानसभा और राज्यसभा संसद भवन इन जगह पे पहुंचाएं हम लोग। आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं सीधा किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।